मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से प्याज के दामों में तेजी देखी जा रही है। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर चोइथराम थोक मंडी में शुक्रवार को प्याज के दामों में 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल दर्ज किया गया। राज्य में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक क्षेत्रों में हाल ही में आई बाढ़ ने प्याज के उत्पादन पर असर डाला है, जिससे प्याज की कीमतें आसमान छूती नजर आ रही है। सुपर प्याज का लोट ऊपर में 2800 रुपए तक बिक चुका है। ऐसे समय में प्याज की कुल आवक लगभग 50,000 बोरी देखने को मिली है। हालात ये है कि सामान्य क्वालिटी की प्याज के भाव में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से प्याज के भाव में तेजी आ रही है। महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण 60% प्याज को नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि बारिश और बाढ़ के कारण राज्य में 40-50% प्याज नष्ट हो चुकी है। व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में दाम और अधिक तेजी से बढ़ सकते हैं। प्याज के दामों में तेजी के बाद भी मांग जारी है। तेजी से बढ़ रहे दामों को देखते हुए किसानों ने प्याज को रोकना शुरू कर दिया है और वहीं इसके साथ दूसरी सब्जियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।